कक्षा 10 आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। तो आइए हम देखते हैं कि प्रायिकता आखिर है क्या। जैसे कि आप इस वक्त बाहर देख पा रहे हैं, इस वक्त बादलों से पूरा आकाश ढका हुआ है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस वक्त बादलों से पूरा आकाश ढका हुआ है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसी वक्त एक मिनट के अंदर अंदर धूप निकलने की क्या कोई संभावना है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ है और किसी भी समय बारिश हो सकती है। तो हम कहेंगे कि इस वक्त एक मिनट के या दो मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह से धूप खिलने की जो संभावना है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ही जीरो है। इसका मतलब उस केस में जो प्रायिकता होगी वो होगी जीरो, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। जिसकी संभावना बिल्कुल ही ना हो वो है जीरो। अब देखिए, यह है मेरे हाथ में एक चौक। यदि मैं इस चौक को ऊपर फेंकूं तो देखिए क्या संभावना है कि ये नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखिए ये नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? हम सबको पता है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आ रहा है। तो यदि मैं कहूं कि इसको मैं ऊपर फेंकूं तो क्या संभावना है कि ये नीचे आएगा ही आएगा? तो इसकी पूरी पूरी संभावना है, ये आएगा ही, राइट। तो उस केस में जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 100%, उसकी संभावना है लेकिन जो प्रायिकता होगी वो होगी 1। तो इससे हम क्या समझते हैं? प्रायिकता का मतलब है किसी भी घटना के होने की कितनी संभावना, ठीक है, किसी भी घटना के होने की कितनी संभावना। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे बोलूं कि हमने इस ज्योमेट्री को खोला, अभी आपको नहीं पता, मुझे दिख रहा है इसमें कुछ है या नहीं है, आपको नहीं पता इसमें कुछ है या नहीं है ना, तो क्या संभावना है कि इसमें से कुछ सामान निकलेगा? सोचिए, क्या संभावना है कि इसमें से कुछ सामान निकलेगा? तो यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये भरी हुई होगी इसमें कुछ सामान होगा, दूसरी संभावना है कि या ये खाली होगी। दोनों की जब तक आपको नहीं पता तो दोनों ही संभावनाएं बराबर है, खाली भी हो सकती है भरी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है आधी संभावना है कि ये भरी हुई हो, आधी संभावना है कि ये खाली। ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे हम एक कॉइन टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, है ना, तो सिक्का उछालते वक्त भी क्या संभावना की हेड्स आएगा, क्या संभावना की हेड्स आएगा? देखिए जब हमने सिक्का उछाल दिया तो हेड्स भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हिंदी में बोले तो चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है ना। तो दोनों की जो संभावना है बराबर है, बराबर है ना, इसीलिए कॉइन टॉस किया जाता है कि दोनों में, दोनों के जीतने के जो चांसेस है, दोनों टीमों के कप्तानों के टॉस जीतने के जो चांसेस है या संभावना है वो बराबर है। इसका मतलब टॉस उछालते वक्त, सिक्का उछालते वक्त भी हेड्स आने की जो प्रायिकता है वो भी है आधी और टेल्स आने की जो प्रायिकता है वो भी है आधी। तो ये है प्रायिकता कि कैसे किसी भी चीज के, किसी भी घटना के होने की क्या संभावना। इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक थैला है, एक बैग है, उसमें ब्लैक कोने हैं 4, ग्रीन कोने हैं 3 और रेड बॉल्स हैं 2। एक बैग है जिसमें ब्लैक बॉल्स हैं 4, ग्रीन बॉल्स हैं 3 और रेड बॉल्स हैं 2। यदि हम इस बैग में से बिना देखे आंखें बंद करके बॉल्स को घुमाकर एक जैसी बॉल्स हैं और फिर एक बॉल निकाले, तो क्या प्रायिकता है कि वो एक ग्रीन बॉल हो? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रायिकता निकालनी है बच्चों, तो याद रखना प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो है वो नीचे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ चांसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो नीचे लिखे जाते हैं। अब इसमें आउटकम्स देखो, 4 बोले ये है, 3 बोले ये है, 2 बोले ये है, टोटल कितने होगी 4, 3, 7 और 2, 9 बोले हो गए ना उसमें, तो टोटल बॉल्स है, टोटल आउटकम्स है 9।
अब नौ में से कोई भी बॉल निकल सकती है यदि हमने यदृच्छा यानी रैंडम एक बॉल निकालनी है बिना देखे, तो कोई भी एक बॉल निकल सकती है ना। उसमें से ग्रीन बॉल्स कितनी है? तीन। तो ग्रीन बॉल्स के निकलने की संभावना कितनी हो गई? तीन। यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? तीन बटा नौ। ग्रीन बॉल के निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई? तीन बटा नौ। यदि इसको काट देंगे तो ये हो गया तीन एकम तीन और तीन या नौ यानी एक बटा एक। इसी प्रकार से यदि हम सोचें कि इसमें से एक लाल बॉल के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, तो फिर से कुल बोले हैं नौ। लाल बॉल्स कितनी है? दो। इसका मतलब एक बैग जिसमें नौ बॉल्स हैं, उस इस कलर की ब्लैक चार ग्रीन ग्रीन रेड दो, उसमें से लाल बॉल यदि हम रैंडम एक बॉल निकालें तो क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल बॉल होगी? उसकी प्रायिकता होगी दो बटा नौ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गणित के कक्षा 10 के प्रायिकता चैप्टर में हम विभिन्न विभिन्न इवेंट्स में प्रायिकता को निकालना सीखेंगे।